नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के लोगों से संवाद किया। विजयदशमी के इस मौके पर मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती से बापू ने रामराज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की थी। उन्होंने सेवा का मौका देने के लिए गुजरात की जनता का शुक्रिया भी कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपना 96वां स्थापना दिवस मना रही है। हिंदी तारीख के मुताबिक विजयदशमी के दिन ही 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आरएसएस की अलग अलग शाखाओं पर स्थापना दिवस मनाए जाने लगता है। विजयदशमी के दिन नागपुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहे। मोहन भागवत ने पहले शस्त्र पूजन किया। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है। कुछ दिनों पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सिद्धू की घर वापसी हो रही है। इसको लेकर हरीश रावत ने साफ किया है कि सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते रहेंगे। अक्टूबर में कोरोना वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने के बाद भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, ईरान और बांग्लादेश को 10-10 करोड़ टीकों का निर्यात किया है। भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात शुरू करने की कई देशों ने सराहना की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि पड़ोसी देशों में मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की भारी मांग है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,862 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 379 लोगों की जान चली गई है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.07% है, जो कि मार्च 2020 में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 19,391 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 3,33,82,100 हो गई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 2,03,678 है, जो कि पिछले 216 दिनों में सबसे कम है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.42% है, जो कि पिछले 112 दिनों में 3% नीचे है। सड़क दुर्घटना से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण सावधानी बरतकर वाहनों की टक्कर से बचने में सिर्फ विफल रहना अपने आप में लापरवाही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति पर सड़क दुर्घटना में योगदान के लिए लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें उसकी किसी चूक की भूमिका तो होनी चाहिए। नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर शुक्रवार की सुबह मालगाड़ी डीरेल हो गई और कई 24 वैगन पलट गए हैं। इसमें करीब 100 मीटर तक ट्रैक उखड़ गया है और वैगन आपस में भिड़ने के बाद 5 वैगन उछलकर किनारे तालाब में जा गिरे हैं। इससे नई दिल्ली हावड़ा की अप एंड डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बंद हो गया है। हादसा अंबियारपुर स्टेशन के पास हुआ है। DFC ट्रैक पर वैगन गिरने से ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे DFC ट्रैक पर भी मालगाड़ियों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिक्किम के समीप ढोकला में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद था। भूटान ने चीन की तरफ से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था, जिसके समर्थन में भारत भी खुलकर आ गया था। भूटान और चीन के बीच विवाद की वजह से भारत के साथ भी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भूटान और चीन ने यह विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। फेसबुक की डेंजरस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट मंगलवार को द इंटरसेप्ट द्वारा लीक कर दी गई थी। बता दें कि वो संगठन है जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं देता है। लीक हुई लिस्ट में भारत के 10 खतरनाक व्यक्ति के और संगठन के नाम शामिल है। भारत से बाहर 10 आतंकियों और उग्रवादी और चरमपंथी संगठन, 4,000 से अधिक लोग और समूह की गुप्त ब्लैकलिस्ट का हिस्सा है, जिनमें श्वेत वर्चस्ववादी, सैनिकृत सामाजिक आंदोलन और कथित आतंकवादी शामिल है, जिन्हें फेसबुक खतरनाक मानता है। JEE एडवांस रिजल्ट 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर ने JEE एडवांस परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी किया है। छात्रों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था, वो अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने में अनुमति नहीं मिलने का मामला सामने आया है। ये वाकया यूपी के झांसी जिले के बबीना कैंट एरिया का है। सीएम शिवराज का चॉपर 8 अक्टूबर को 15 मिनट तक हवा में घूमता रहा। ATC ने उसे लैंड करने की परमिशन नहीं दी थी। इस घटना का 7 दिन बाद तब खुलासा हुआ जब घटना से नाराज मुख्यमंत्री ने इसकी जाँच के निर्देश दिए हैं। भारत ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में उसकी भी रुचि है। इस मामले में संबंधित पक्षों को सहयोग करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने एक साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर आगे के अध्ययन और डेटा में हमारी रुचि है, लेकिन इसमें सभी संबंधित पक्षों द्वारा सहयोग की जरूरत है।
देश में दो साल से बड़े सभी बच्चों के लिए टीकाकरण की राह खुल गई है। इसी बीच समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के अनुसार बताया है कि 2 से 18 साल की उम्र के लिए कोवैक्सीन की अंतिम मंजूरी विशेषज्ञों की राय और मूल्यांकन के अधीन है। इसके बाद ही बच्चों के लिए फाइनल टीकाकरण की गाइडलाइन जारी की जा सकेगी। पूरा देश दशहरे का त्यौहार मना रहा है। इस बीच दशहरे के त्यौहार में बारिश खलल डाल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य हिस्से और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे ओडिशा में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इस साल दिवाली पर कर्मचारियों को 3 सौगातें मिलने वाली है। पहला, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरी सौगात के तौर पर कर्मचारियों के डीए एरियर पर सरकार से चल रही बातचीत पर कोई नतीजा निकल सकता है। इसके साथ ही पीएफ पर ब्याज दिवाली से पहले खाते में जमा हो सकता है। बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा हिंदुओं के कुछ मंदिरों को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर गौर किया है। पड़ोसी मुल्क ने इस घटना के बाद गंभीरता से एक्शन लिया और हालात को काबू किया है। भारतीय मिशन इस मामले को लेकर बांग्लादेशी अथॉरिटी के साथ संपर्क में है। गोवा के स्कूलों को 18 अक्टूबर से 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने की है। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन पर राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से यह निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 9 से 12 के बच्चों के लिए कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी की है। विजयदशमी के पावन पर्व के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के DRDO परिसर में शस्त्र पूजा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ लगातार चलता रहता है। वहीं इस मौके पर उन्होंने 7 नई DPSUMILAVANIAWETCLYILIOLGIL को राष्ट्र को समर्पित किया है। चुनावी राज्यों में जारी किसानों के विरोध के बीच भाजपा किसान मोर्चा 30 अक्टूबर को दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगा। बैठक को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर की अध्यक्षता में बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन प्रथम महिला किम जोंग उल सुक ने शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के मार्गदर्शन के तहत COVID-19 बूस्टर शॉट्स प्राप्त किए। इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय चेयोंग वा देने दी है। दशहरे के दिन भारत में शस्त्र पूजन की परंपरा रही और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को 7 डिफेंस कंपनियां समर्पित की हैं। रक्षा उपकरण, हथियारों और वाहनों के निर्माण के लिए बनी 7 नई कंपनियों की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश के हथियार एवं रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया। अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोग ऑनलाइन पार्किंग स्पॉट बुक कर सकते हैं। ऐप गाड़ियों की कुल क्षमता, उपयोग के स्थान और हर पार्किंग स्थल में खाली जगह के बारे में आपको बताएगा। सशस्त्र बल वैज्ञानिक भारत में सबसे भरोसेमंद नागरिक के रूप में उभरे हैं, जबकि राजनेता विज्ञापन अधिकारी सबसे कम भरोसेमंद है। इप्सोस ग्लोबल ट्रस्ट वर्थनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार शहरी भारतीय सशस्त्र बल 64%, वैज्ञानिक 64% और सबसे अधिक भरोसा करते हैं, और जिसके बाद शिक्षक 61%, डॉक्टर 58% के नंबर के साथ नीचे देखे गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो निवेदन पर मेरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता से मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए जन जन के दिल में बसते हैं क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का महत्व समझते हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी में बड़े पर्दे पर एक साथ वापसी करेंगे, जो 2001 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। गदर दो निर्देशक अनिल शर्मा और जी स्टूडियो भी साथ आएंगे। फिल्म में शर्मा के बेटे अभिनेता उत्कर्ष शर्मा भी है, जो गदर एक प्रेम कथा में देओल और पटेल द्वारा निभाए गए पात्रों के बच्चे के रूप में दिखाए गए थे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया है कि यह लखीमपुर की घटना से जनता का ध्यान हटाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीति थी। सिब्बल ने ट्वीट किया कि आर्यन खान मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कानून की नई प्रणाली सामने आई है। पूर्व मध्य रेलवे ने ग्रीन एनर्जी की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हावड़ा से नई दिल्ली तक ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई गई है। सोलर पैनल लगाने के लिए भारतीय रेल अपनी खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल करेगा। सोलर पैनल से बिजली सीधे ग्रिड को जाएगी और फिर वहां से ट्रेनों के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली संस्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट भी अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इस लिस्ट में भारत 101वें स्थान पर खिसक आया है। 2020 में इसी इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। हैरानी की बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी कहीं पीछे है। पाकिस्तान 92, नेपाल, बांग्लादेश 76वें स्थान पर है। दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने वाले रेल यात्रियों का सफर अब और आरामदायक होगा। एक तरफ जहां एसी बोगियों में यात्रियों को बेहतर कूलिंग के साथ हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग और पढ़ने के लिए स्टडी लाइट जैसी सुविधा मिलेगी, वहीं स्लीपर क्लास में सीटें बढ़ने से वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राहत भी मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली अरुणाचल प्रदेश में 12 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग के आखिरी चरण के काम की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से बटन दबाया और सुरंग में विस्फोट के साथ ही परियोजना के आखिरी चरण का काम शुरू हो गया। सेला सुरंग का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है प्रफुल्ल कुमार, साहिल पटेल, शंकर मुखिया, रीना कुमारी, प्रहलाद जोशी, मोहम्मद इरफान, प्रभा कुमारी, पूजा कुमारी, दिव्या सिंह, राम मनोहर जोशी, सोनू कुमार, मोनू सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भूख कुपोषण के मामले में भारत के नीचे खिसकने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।